अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक, फटाफट फिट फाट। आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। कल्टस जो है उसकी बैटरी का पता नहीं क्या हुआ है, काफी दिनों से खड़ी हुई थी। वैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगे हैं कि यार देखें गाड़ी कितनी देर होगी स्टार्ट ही नहीं की, तो गाड़ी की बैटरी जो है उड़ी हुई है। अब आपका भाई इसका करेगा जुगाड़ कैसे करेगा वो आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लें। व्लॉग करते हैं शुरू, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और गाड़ी के अंदर पे ये पड़ी हैं वायर्स। आए 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 सारा जो इनको निकालते हैं बाहर, इसके बाद हम खोल लेंगे गाड़ी की बैटरिया। ये अब उनकी टूल किट। ओ ये थोल्टी खोल रहा, ये मैंने गाड़ी की लाइटों वाला डब्बा है, इसको इसलिए यूज़ कर लिया था इसके बीच में ना मैंने। ये देखें हमारे काम का चीज़ सिर्फ ये है इस वक्त। इसके साथ गाड़ी को खुल, गाड़ी की बैटरी सिर्फ इसी से ही खुल जाएगी क्योंकि टाइट मैंने की थी, मुझे अंदाज़ा है किससे खुलनी है। बैटरी आपका भाई खोल के ले आया, ये बैटरी है, ये सामने गाड़ी और ये फहीम साहब को मैंने कहा पानी ले क्या गर्म, ये पड़ी हुई है बैटरी। UPS नहीं था चल रहा, UPS की बैटरी का भी ये हाल हो गया। अब पहले इसको करूँगा फिर इसको करूँगा। गर्म पानी आपका भाई भर के ले आया, ये देखना था बनता अभी गर्म पानी। देखिए फंगस जो इसके ऊपर टर्मिनल्स के ऊपर लगती है ना, ये जहर होता है। ये देखें कैसा मिनट लगा, ये देखें साफ किस तरह होने लग गया साथ। ये छोटे छोटे टोटके हैं ब्रो, इसको भी जरा उतार दो। एक दो मैंने ऐसे ही जोर लगाया, सेल ही बाहर आ गया था बैटरी को। फोन रख के करता हूँ, ये कहा वाला काम नहीं है। ये देखें साथ ही क्या बन गया, बुलबुले देख रही तजाब बन गया पानी साथ ही। चलो वीडियो में तो लाइव ही नज़र आ गए थे इनकी क्या हालत थी। ये देखें कैसे निकलेंगे, आवाज सुनी जरा तजाबुन तजाबुन तजाबुन। इसको झाड़ के वापस इधर फिट कर दो। चलो जी दूसरे वाले का भी देखते हैं क्या हाल था क्या है नहीं हो गया है। आए 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 नए नए फार्मूले आपको आपका भाई देता है। देख अब इसको मैं पहले ये देखें जो गंद बला था ना, इसको पहले साफ़ करने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि यार ये मैं कल करूँगा, अभी इफ्तारी का टाइम होने लगा, अभी फिर वक्त बस बैटरी चार्जिंग पर लगा दी। ये तो लग गई है जी चार्जिंग पे, ये देखें। और भाई आपका अब निकले, सिर्फ दो ढाई मिनट रह गए इफ्तारी होने में। रोज़ा वगैरह खोलने के बाद भाई आपका जो है वो थोड़ी देर बाद लेट गया हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चला सो गया हूँ। सो के अभी उठाऊँ तो यार मैंने ना फ़ोन किया, मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी, मैंने कहा भाई से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, मम्मी अबू तो सो गए होंगे। मैंने ये करने के लिए फ़ोन किया तो वो आगे से मुझे कहते हैं भाई तेरा दिमाग ठीक है बाहर मौसम दे। मैं कहा बाहर ऐसा क्या मौसम हो गया, पल तो देख भी इसको क्या हो गया, फेर रहे हैं बेड पर पूरे इंजॉय खा रहे हैं। मैं कहूँ कि यार मौसम को क्या होगा जब बाहर निकलूँ बारिश कह रही है, मैं ही मैं हूँ, आपको जरा चेक करवाता हूँ सीन बाहर का। फुल बारिश हो रही है, फुल तेज स्पीड में जो है वो बारिश चल रही है। बारिश का हाल तो मैंने आपको दिखा दिया, भूख से उससे भी बुरा हाल हुआ पड़ा, तो ज़रा आप फ्रिज के पास चलते हैं देखते हैं फ्रिज के अंदर क्या है। ये तो नहीं खानी क्रीम चल रही है, ये भी लगा रहा खजूर। ओ यस, ये तो पूरा पूरा पीस बचा हुआ पड़ा है, इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको करते हैं सेपरेट। और चल भैया के घूम जरा बच्चे, बाहर बारिश का शोर आपको आ ही रहा होगा, बारिश की थाटे देख रहे। मैं बड़े मज़े से उठ के मैंने फ़ोन किया, मैं कह यार कोई अपना मेन्यू दो, मैंने कहा बाहर उठ के देख वो जानने वाले ही मेरे, जिनको मैंने फ़ोन किया। ये गर्म होता है, इसके साथ हम खाएंगे नान, नान पड़ा हुआ मैंने देख लिया, नान और पीस को एंजॉय करते हैं। करूँ रोटी। One hour later. खाना शाना खाया उसके बाद मैं बैठा हुआ था, एहसन का फ़ोन आया, शेख साहब आपको पता है शौकीन लोग हैं, 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके भाई जान चने लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे रस्ते में कहता कि यार मैंने अकेले नहीं जाना, मेरे साथ जा। अभी शेख साहब मेरे साथ है, अस्सलाम वालेकुम शेख जी।
शेख साहब साथ हैं, जा रहे हैं चने लेने के लिए। अभी रमजान है, नहीं तो मैं आपको फिर वहाँ से कोई नाश्ते का प्लान करके दोबारा दिखाते। नाश्ते तो मेरा आपको बताया आपका भाई मोदी है। आपको बाहर का वेदर चेक करवाता हूँ। मुसलसल बारिश अभी भी जो है वो हो रही है। ये भी गाड़ी चलो, ये देखे शीशे पे, पता नहीं फोन पे क्लियर इतना नजर नहीं आ रहा। इस तरफ वाला देखिए, वेदर जो है वो एक्सट्रीम खूबसूरत हो चुका है फैसलाबाद का। और साथ बाहर निकले हैं, बस अब चने लेने के लिए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से, मुझे शेख साहब ने कहा है कि भाई ये एक दफ़ा लेके घर लेके जाओ, सहरी में ट्राई करो, बहुत मज़ा आएगा। मैंने बाहर से तो नाश्ता किया हुआ है, लेकिन इस तरह जाके कभी सहरी में ले जाके पराठे के साथ। और इसने मुझे पूरी रेसिपी बताई है, वो भी आपको बता देता हूँ। मैं भी खाता हूँ इस तरह ही दाल के साथ, मुझे फ्राई अंडा बड़ा अच्छा लगता है साग के साथ। तो इसने मुझे कहा कि चनों के साथ फ्राई अंडा और पराठा बना के वो खाने। अभी जा रहे हैं वहाँ से चने शने लेते हैं। मॉर्निंग वॉक बारिश हो रही, पता ही नहीं चल रहा किधर को जा रहे हैं। हाईवे पे बड़े हैं, जंग रोड पे जा ही रहे हैं। A few moments later, तो गाइस वहाँ पे चने वगैरह लिए, लेके मैं घर आ गया हूँ। सहरी में मैंने ट्राई किए पराठा अंडा और चने, बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन रहा है। और अब दिन निकल आया, तो यहाँ पे करता हूँ अपने वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लें। अब ना मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ी सी ना चेंजिंग लेके आऊँ व्लॉग्स में। इंशाल्लाह आप लोगों को भी फील होगी, लाजमी फील होगी। तो बस मतलब होता पता क्या है, रमज़ान है ना, कोई चीज़ इस तरह है नहीं करने को। सारा दिन वही रूटीन चलती रहती कुछ ना कुछ। लेकिन इंशाल्लाह इसमें थोड़ी सी चेंजिंग अब करूँगा और मज़े की चेंजिंग करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल होती है आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए भाई को इजाज़त दें अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।